हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिखा का पिटारा। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं जन्माष्टमी में कैसे झांकी बनाती हूँ, जन्माष्टमी का डेकोरेशन मैं कैसे करती हूँ। तो होप मेरे इस वीडियो से आप लोगों को जन्माष्टमी की तैयारी करने में कुछ आइडिया मिले। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का आईडी है शिखा का पिटारा और इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ये सुंदर सी बांसुरी और ये दही का मटका बनाने, वो भी एकदम कम चीजों से। और इसे बना के आप इस जन्माष्टमी अपने घर को सजा सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुरली या बांसुरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गोल्डन कलर का कार्डबोर्ड शीट। तो बांसुरी बनाने के लिए हमें इतने बड़े कार्डबोर्ड शीट की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। तो मैंने इस कार्डबोर्ड शीट को देखिए यहाँ पे कट कर लिया है और अब हम इसे राउंड शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो इस कार्डबोर्ड को अब मैं यहाँ पे सेलो टेप से चिपका दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। इसे अच्छे से चिपका दीजिए ताकि ये कार्डबोर्ड खुले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बांसुरी का स्ट्रक्चर तैयार है और अब हम इसमें छेद बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड शीट और एक ढक्कन लेके मैं राउंड सर्कल बना लूँगी और फिर राउंड सर्कल बनाने के बाद इसे कट कर लूँगी। यहाँ मैंने 5 सर्कल बनाए हैं। आपकी बांसुरी जितनी बड़ी है उस हिसाब से आप सर्कल बनाएं। देखिए मैंने यहाँ सारे सर्कल को कट कर लिया है और अब मैंने लिया है इस तरह की एक माला। ये आपको आर्ट एंड क्राफ्ट वाली शॉप में मिल जाएगी। इसे हम बांसुरी के किनारे में इस तरह से लटकाएंगे। तो पहले मैं मेजरमेंट कर लूँगी कि कितना मुझे लटकाना है और उस हिसाब से फिर इसे मैं कट कर लूँगी। और इसे लटकाने का भी एक ट्रिक है, आप एक लड़ी को लंबा रखें और एक लड़ी को छोटा, तो ये देखने से काफ़ी सुंदर लगता है। और अब मैं इस माला के दोनों एंड पे ये पॉम पॉम लगा दूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मार्केट में इस तरह का मोती वाला माला नहीं मिलता है तो आप इसके जगह पे गोल्डन कलर का गोटे का भी यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई पुराना राखी बचा हुआ है तो आप उससे भी इस मुरली के लटकन को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में जो मुरली वाला स्ट्रक्चर बनाया था उस पर अब हम इन सारी चीज़ों को चिपका देते हैं। और इसे चिपकाने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है क्योंकि फेविकॉल से इसे चिपकाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को इस मुरली पे चिपका दिया है और अब मैं लूँगी सिल्वर कलर का गोटा या सिल्वर कलर का लेस और इसे मैं इस मुरली पे इस तरह से चिपकाऊंगी तो हमारी मुरली देखने से और सुंदर लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मुरली कंप्लीट है और इसमें सिल्वर कलर के लेस लगाने से ये और भी खूबसूरत लग रहा है हमारा मुरली।
तो चलिए अब हम फटाफट से बनाते हैं दही वाला मटका। तो मटका बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है येलो कलर का कार्डबोर्ड शीट, और इस कार्डबोर्ड शीट पे मैंने एक मटका बना लिया है, एक मटके को ड्रॉ कर लिया है। और अब चलिए फटाफट से हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा मेरा मटका, और अब हम इस पे थोड़ी सी और डिटेलिंग करेंगे इस मटके पे, और इस पे करेंगे पेंट। तो यहाँ पे मैं फटाफट से थोड़ी डिज़ाइन बना ले रही हूँ मटके पे, ताकि हमारा मटका देखने से और सुंदर लग सके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मटके पे डिज़ाइन बना लिया है, और अब मैं करूँगी इस पे पेंट, और उसके बाद आपको ये मटका दिखाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मटका, और इस पे मैंने पेंट कर दिया है, और अट्रैक्टिव कलर से इस पे डिज़ाइन बना दी है। तो हमारा मटका देखने से एकदम सुंदर लगने लगा है। तो अब हम इसमें बनाएंगे माखन। तो माखन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रुई का यूज़ किया है। रुई को मैं फेविकॉल की हेल्प से इस पे चिपका दूंगी। थोड़े से रुई को मैं नीचे लटका दूंगी, ताकि देखने से ऐसा लगे कि हमारा माखन जो है वो मटके में से थोड़ा सा गिर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रुई को अच्छे से चिपका दिया है, और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ दीवार पे इन सारी चीज़ों को चिपका के। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा बांसुरी मटका। और यहाँ पे मैंने एक मोरपंख लगा दिया है। ये मोरपंख मैंने मार्केट से ख़रीदा था। आप चाहें तो ओरिजिनल मोरपंख भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी देखने से काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इस जन्माष्टमी आप भी अपने घर पे बांसुरी और मटका बनाइए, अपने घर को सजाइए, और शिखा का पिटारा देखते जाइए।